अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगी, कहाँ से परचेज़ करना है, कैसे करना है और सारी चीज़ें, और विद आप लोगों को एक एक चीज़ बताई जाएगी कि इस तरीके के जो पर्स के बेस होते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं और पर्सनली मैसेज आते हैं कि हमें पर्स बनाना सीखना है और आपसे ही सीखना है। बहुत सारे लोगों ने बताया ये मुझे कि हमें सिर्फ आपका बताया हुआ ही समझ में आता है और हमने आपसे ही क्रोशियो सीखा है, तो प्लीज़ आप ही डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन दें। तो जो कि आगे मैं आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए पहले ये वीडियो बनाई हूँ ताकि आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं पर्स तो आप ये सामान मंगा लें, और कहाँ से परचेज़ करना है उसकी भी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फर्स्ट तो हमारे पास में ये तीन तरीके के बैग बेस है, पर्स बेस जिसे कहा जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर है ये, और इसकी तीन शेप आते हैं। एक इस तरीके से राउंड हो गया, एक ये और एक ये शेप। तो ये तीनों शेप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। ये आपको मिलेगा प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसकी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इंस्टाग्राम पेज भी है उनका, वहाँ पर भी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस बेस में भी आपको हर तरीके के कलर देखने को मिल जाएंगे। ये बेस में आप लोगों को इस तरीके से होल दिखते हैं। और पर्स के लिए हमें कौन सा धागा यूज़ करना है, ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। अब बेस के बाद में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हमें हैंडल्स की ज़रूरत होगी। तो अगर आप डायरेक्टली क्रोशियो के हैंडल्स बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। छोटे हैंडल्स में आपको इस तरीके के बहुत ज़्यादा शेप में, अलग अलग शेप में, अलग अलग कलर्स में, डिज़ाइंस में आप लोगों को हैंडल वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि लोकल मार्केट में आपको मिलना मुश्किल है। तो इस तरीके के हैंडल्स भी आप, और अफोर्डेबल प्राइस, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो इस तरीके के हैंडल्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इनकी भी लिंक आपको, वेबसाइट की लिंक दे दूंगी, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हैंडल्स भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और बहुत ही आसानी हो जाती है इस तरीके हैंडल्स को लगाने के बाद में। हमें बेल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत यूनिक लुक लगता है। इसके अलावा अगर आप बड़ी बैग बना रहे हैं तो इस तरीके के बेल्ट्स भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत ही प्यारे सिल्वर गोल्डन कलर्स भी है और ब्लैक कलर है, बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। देन ये तीन चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा हमें इस तरीके के बेल्ट की ज़रूरत होती है विद चैन। यहाँ पर उन्होंने अभी, उनके वेबसाइट पर आपको ये देखने को मिलेगा। इससे पहले उनके पास इस तरीके के बेल्ट्स भी थे, ये भी अवेलेबल हैं, तो आप जो अपने हिसाब से जो चाहिए आप मंगा सकते हैं। इस तरीके के बेल्ट में आप छोटा बड़ा इस बेल्ट को यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पर ये फुल साइज़ का बेल्ट है और साथ में चैन लगी हुई है यहाँ पर, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अब आपने एक ये बेल्ट मंगा लिया विद, आपने एक इस तरीके का बेस मंगा लिया, तो आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको नीचे का बेस भी रेडी नहीं करना है और इस तरीके का आपने बेल्ट भी नहीं बनाना है, डायरेक्टली आप इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है इस तरीके के। आपको हुक भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास दो कलर में हुक उन्होंने मुझे दिए थे, एक गोल्डन हो गया और एक ब्लैक। इसमें आपको सिल्वर भी मिल जाएगा, और जितने आपको जो कलर की आपको चैन मिलेगी वहाँ पर देखने को मिलेगी, उस तरीके के आपको इस तरीके हैंडल्स भी और साथ में ये लॉक्स भी मिल जाएंगे। चैन में भी आपको बहुत तरीके की क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। ये देखिए इसकी साइज़ आप देख सकते हैं, थोड़ी बड़ी साइज़ है ये, और इसमें आपको ये एक छोटी साइज़ में भी मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, सिल्वर हो गया, गोल्डन हो गया, ब्लैक हो गया, तो आप अपने हिसाब से जैसे बेल्ट और जो भी आप बेस, जो कलर की आपको डिज़ाइन बनानी है उसमें अगर आपको गोल्डन चाहिए, सिल्वर चाहिए, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बोलने का मतलब यह है कि एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो कुछ चीज़ें यहाँ से ऑर्डर करना है, कुछ चीज़ें वहाँ से ऑर्डर करना है, ऐसा कुछ करना आपको नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपका मेन क्वेश्चन होता है कि बहुत ज़्यादा के पर्स बनाने के लिए कौन सा धागा यूज़ करें, और अक्सर ये होता है कि अफोर्डेबल भी चाहिए, ऐसा चाहिए कि बहुत कम बजट में हमारी पर्स बन के रेडी हो जाए। और सेकेंड ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी नीडल हमें यूज़ करनी है। तो अब हम, मैंने आपको मेरी एक वीडियो में और एक लाइव सेशन में आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी कि कौन से धागे के साथ में कौन सी नीडल यूज़ की जाती है, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। वो भी आपको वीडियो में बहुत सारा मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। इस तरीके के थ्रेड्स भी मैंने बताए हैं, गुलेरा के 6-ply कॉटन यार्न्स भी बताए हैं। अब पर्स के लिए कौन से धागे यूज़ होते हैं वो हम देखते हैं।
यहाँ पर उनके पास में इस तरीके से पर्स के लिए धागे मिल जाते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में धागा चाहिए होता है हम बड़ी पर्स बनाते हैं तो। और अगर हम सिंगल सिंगल लेते हैं तो आपको कभी ऐसे भी हो जाता है कि धागा कम पड़ गया है, तो इस तरीके से उन्होंने नायलॉन का धागा है ये, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इस तरीके से लच्छे में आता है, आपको इसे बॉल बनाना होगा। बहुत ही आसानी से ये बन भी जाता है, और इस तरीके के थ्रेड्स के साथ में आप बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में पर्स बना सकेंगे। प्लस ये थ्रेड जल्दी ख़राब नहीं होता है, मतलब एक बार आपने पर्स बनाया तो लाइफ टाइम आप इसे यूज़ कर सकेंगे। जितना भी आप इसे वॉश करोगे ये थ्रेड कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद यूज़ की हूँ तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्लस इससे बनी हुई पर्स को आप वॉशिंग मशीन में भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा आप ये भी इस तरीके के कोन्स भी आते हैं, वो भी आप पर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे भी नायलॉन का धागा कहते हैं, बट इसकी बनिस्बत ये सस्ते आते हैं, इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि पर्स बनानी है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा लेना होगा। अब एक पर्स के लिए अगर आप 10 परचेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये 8 कोन के प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। तो कुछ इसे का कुछ इस तरीके से रेट का डिफरेंस होता है, बाकी थ्रेड में आपको कोई अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है दोनों, क्वालिटी वाइज भी और फिनिशिंग वाइज भी दोनों सेम ही है। सिर्फ ऐसा है कि ये कोन हमको रेडी करके मिलता है और ये इस तरीके से लच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग पूछोगे कि कॉटन के थ्रेड से जो पर्स बनाई जाती है उसके लिए कौन सा धागा यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए गुलेरा का 6-ply चैनलेट कॉटन यार्न यूज़ किया जाता है। वो भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने अक्सर पैचेस बनाए हैं, मुझे ऑर्डर्स थे पर्स के पैचेस के तो वो मैंने रेडी किए थे, उसके लिए मैंने गुलेरा का कॉटन यार्न यूज़ किया था, 6-ply चैनलेट कॉटन यार्न। उसकी भी परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, सेम वेबसाइट पर आपको वो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ज़्यादातर मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि इस थ्रेड से आप पर्स बना सकते हैं, अफोर्डेबल अगर आपको बनाना है तो। एक्सपेंसिव में जाना है, थोड़ा हाई क्वालिटी में जाना है तो गुलेरा का 6-ply चैनलेट कॉटन यार्न आप यूज़ कर सकते हैं, और वो भी इस तरीके से लच्छे में ही आता है, उसको आपने बॉल बनाना होता है, वो बना बनाया हुआ बॉल नहीं मिलता है। ओके, और अब हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि बेस पर आपने अगर बनाना है तो आपने कौन सी नीडल यूज़ करनी है। तो अब तो ये चीज़ एक हो गई कि यहाँ पर इस तरीके के थ्रेड के साथ में आप बहुत तरीके की नीडल यूज़ कर सकते हैं, जैसे 0 नंबर 1.75 mm की नीडल से स्टार्ट करते हुए आप इसके लिए 3 mm एंड 3.5 mm तक की नीडल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3.5 mm की नीडल ली है और ये है 1.75 mm। अगर आपके पास 2 mm की नीडल है आप वो यूज़ करें, 2.5 mm की है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, 3 mm की नीडल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और 3.5 mm की नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 chainlet 6-ply कॉटन यार्न है तो उसके साथ में आप 4-ply तक के लिए भी जा सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। जितनी मोटी नीडल आप यूज़ करोगे डिज़ाइन उतनी बड़ी बनेगी, पर्स आपकी जल्दी बनेगी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये है। जितनी पतली नीडल यूज़ करोगे तो आपको वक्त लगेगा। अब इस तरीके के बेस को आपने कैसे ये करना है, तो यहाँ पर आपको होल बने हुए मिलते हैं, इस तरीके से आपने यहाँ से शुरू करना है। तो शुरू करने के लिए आपने क्या करना होगा, मैं आपको थोड़ा सा आज स्टार्ट करके भी बताती हूँ ये बॉल्स कैसे बनाना है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताना, इस पर भी हम एक वीडियो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। स्टार्ट विथ स्लिप नट, सबसे पहले आपने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन आएगा उसे प्रेस करके एंड देन बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहां पर आपने ऑल पर क्लिक करना है ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो अब आपने कभी भी जब भी आप ये बेस के कवर करोगे तो आपने सेंटर से स्टार्ट करना है, यहाँ के सेंटर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि यहाँ के सेंटर से आप स्टार्ट करें। अब जैसे कि आप सोचोगे कि राउंड है तो कैसे हमें स्टार्ट करना है, ये जो दो पॉइंट्स है उनके बीच में यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ओके, तो स्टार्ट विथ सेंटर, सेंटर से आपने सबसे पहले आपने स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेने के बाद डायरेक्टली बीच के होल से आपने नीडल डालनी है, इस तरीके से धागे को पीछे की तरफ से लेना है और यहाँ पर आपने सिंगल क्रोशे बना लेना है, फिर अगेन सेम गैप में एक और बार सिंगल क्रोशे यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरीके से। अब आपको लग रहा है कि ये दोनों के बीच में काफ़ी गैप है तो आप एक ही गैप में 3 बार सिंगल क्रोशे बना लो। ओके,
इस तरीके से। फिर नेक्स्ट कैप में आपने सिंगल क्रोशो बनाना है, 1 2। अगर आपको लग रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा गैप होगा इसके लिए, तो आपने 3 लेनी है, 3 सिंगल क्रोशो। और ऐसे ही हम यहाँ तक लेकर आएंगे, और फिर यहाँ से हर एक गैप में दो दो बार सिंगल क्रोशो बनाएंगे। अब जब मैं जो पर्स बनाऊंगी, जो डिज़ाइन हमें बनाना है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर सारे सिंगल क्रोशो काउंट करने होंगे, और उसके बाद में ये बनाया जाता है। अगर आपके पास काउंट किया हुआ है कि कितने सिंगल क्रोशो की हमें ज़रूरत है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करते हुए ये जो राउंड्स होते हैं, जहाँ पर ये राउंड शेप आ रहा है, जैसे जहाँ से आप ऐसे सीधा सीधा जाओगे तो कोई मसला नहीं, जहाँ पर ये राउंड आ गया तो आपने यहाँ पर बढ़ाना होता है ताकि कोई खिंचाव ना आए। तो अब ये आप पर है कि आपको कितने सिंगल क्रोशो की ज़रूरत है इस डिज़ाइन में, उस हिसाब से आपने होल में एडजस्ट करते जाना है। ओके, सो मैं इस पर फुल डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूंगी। प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स ऑनलाइन वेबसाइट है, बहुत ही सेफ वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। इस तरीके की नीडल्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और ये नीडल भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो एक ही जगह से आपने सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो काफ़ी ऐसे जगह पर रहते हैं कि वहाँ पर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो आप इंडिया में किसी भी कोने पर हो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, सेफ वेबसाइट है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके की चेन्स भी आप वहाँ से मंगा सकते हैं, पर्स के बेल्ट भी मंगा सकते हैं, थ्रेड्स, नीडल्स, बेस, हर चीज़ आपको, एवरीथिंग वहाँ पर आपको मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, अफोर्डेबल प्राइस के साथ में आपको मिल जाएगी। दूसरी वेबसाइट पर अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी 20-30% आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है वहाँ पर, और सेम चीज़ आपको मिलेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।